हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अपर्णा सीक्रेट बॉक्स। आज मैं आपके लिए एकदम न्यू डेजर्ट रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चॉकलेट पीनट बार, जो बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और क्रंची है। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कप मूंगफली ले ली है जिसे हमने अच्छे से सेक लेना है और इसके छिलके निकाल लेने हैं और इसे दरदरा पीस लेना है। हमें इसके दाने दाने चाहिए, छोटे छोटे, ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनानी है हमने। और यहाँ पर मैंने कुछ डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लिए हैं, इससे हम हाथ से ही क्रश करके पूरा 1 कप हम इसका चूरा ले लेंगे। 2 कप हम मूंगफली लेंगे तो 1 कप हमने डाइजेस्टिव बिस्किट का चूरा लेना है। तो ये देखिए, मैं इसे हाथ से अच्छे से क्रश कर ले रही हूँ, बहुत ईजिली ये क्रश हो जाता है। और इसे हमने मिक्सर में ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो बहुत ही फाइन पाउडर हो जाएंगे। इतनी बारीक पाउडर हमें नहीं चाहिए, हम इसे हाथ से ही कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमारा 1 कप डाइजेस्टिव बिस्किट का चूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, उसमें हम हमारे जो मूंगफली हमने दरदरी पीसी है उसे हम ले लेंगे। और 2 कप लिया है मैंने वो, और 1 कप हम यहाँ पर डाइजेस्टिव बिस्किट का चूरा ले लेंगे। और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। अगर आपके मूंगफली नमक वाली है तो आप नमक ऐड मत कीजिएगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेल्टेड जैगरी ले लिए, यानी मैंने गुड़ को यहाँ पे पिघाल लिया है। और 100-120 ग्राम गुड़ लिया है मैंने, जिसे मैंने गैस पे एकदम लो फ्लेम पे इसे मेल्ट कर लिया है। और हम गुड़ का जो मेल्टेड गुड़ है उतना ही यूज़ करेंगे जितनी हमें ज़रूरत हो, बाइंडिंग के लिए हमें यूज़ करना है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून हनी डाल दिया है, यानी 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर शहद डाल दिया है, उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम जैसे जैसे हमें लगेगा, हम हमारा जो गुड़ का सिरप है वो ऐड करते जाएंगे, जब तक हमारा एक थोड़ा सा डो रेडी नहीं होता। बाइंडिंग आना जरूरी है, उसी के लिए हम गुड़ इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा गुड़ मैंने और ऐड कर लिया है। तो देखिए, हमारा जो मिक्सचर है ये परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले लिया है और नीचे मैंने एक प्लास्टिक की शीट लगा ली है, और इसमें हम हमारा पूरा मिक्सचर डाल देंगे और हाथों की हेल्प से इसे प्रेस करके एक लेवल में कर देंगे। और इसकी हाइट करीबन हम 1 इंच रखेंगे और इसे अच्छे से प्रेस करते जाना है, हमें एक लेवल दे देनी है इसे। देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो रहा है। अब हम इसे फ्रीज में करीबन 10 से 15 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट ये सेट हो जाएगा, तब तक यहाँ पर मैंने 150 ग्राम्स मिल्क कंपाउंड चॉकलेट ले लिए, इसे हमें मेल्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने डबल बॉयलर के हेल्प से हम हमारी जो चॉकलेट है इसे मेल्ट कर लेंगे। आप चाहो तो डार्क कंपाउंड भी यूज कर सकते हो। तो ये देखिए, हमारी जो चॉकलेट है ये कितने अच्छे से मेल्ट हो रही है। तो ये देखिए, हमारी चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इसमें कोई लम्स भी नहीं बचे हैं। अब हमारे जो गैस की फ्लेम है इसे बंद कर देंगे, और जो हमने बार रखा था अंदर वो देखिए, वो भी अच्छा सा सेट हो चुका है। और अब हम हमारे जो चॉकलेट हमने मेल्ट की थी वो इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे, स्पून की हेल्प से हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, बहुत ही हेल्दी और क्रंची है ये रेसिपी। तो देखिए, इसे हमने अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और फ्रिज में 10 मिनट तक और सेट करने रख देना है। तो ये अच्छे से सेट हो चुके हैं, 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसे धीरे से पलट देंगे, जो ये चॉकलेट वाला साइड है वो हम नीचे रख देंगे और दूसरा साइड ऊपर कर लेंगे, और ये साइड पर भी हम हमारी जो मेल्टेड चॉकलेट है उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। और इसे भी हम फ्रिज में 10 से 15 मिनट तक अच्छे से सेट होने के लिए रख देंगे।
और इसके ऊपर डाइजेस्टिव बिस्किट का मैंने चूरा रखा था थोड़ा सा, वो भी हम डाल देंगे। लुक बहुत अच्छा आएगा इससे। ये देखिए हमारा बार अब रेडी हो चुका है, 10 मिनट तक हम इसे सेट होने देंगे अभी। तो ये देखिए ये अच्छे से सेट हो चुका है, आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और एक नाइफ के हेल्प से हम इसे कट कर लेंगे। ये थोड़ा हार्ड होता है तो थोड़ा संभल के हमें इसे कट करना है। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्दी है। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव बिस्किट है, पीनट्स है, जैगरी है, हनी है, ये सभी बहुत ही हेल्दी होता है। और इसके ऊपर जो चॉकलेट हम लगाते हैं वो तो सोने पे सुहागा, यानी बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए एक मेल्टेड चॉकलेट मैंने एक कोन में भर लिया है और उसे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर ली हूँ। अगर आपके पास व्हाइट चॉकलेट है तो आप उसे भी डेकोरेट कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक आएगा उससे भी। अब मेरे पास थोड़ा सा चॉकलेट सॉस पड़ा था तो चॉकलेट सिरप, तो उससे भी मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर ले रही हूँ। देखिए हमारे जो चॉकलेट पीनट बार है ये कितने टेस्टी, कितने यमी दिख रहे हैं, और यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।